साथियों, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई को कैसे छुपाया जाए, इसके ये बड़े मास्टर रहे हैं। जादूगर सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं है, ऐसी हाथ की सफाई करते हैं। ये अपने पूरे इकोसिस्टम को एक्टिव करते हैं और पूरे तालाब को खराब बताने का एक पूरा माहौल खड़ा कर देते हैं, प्रयास करते हैं। तालाब के हर जीव को ये अपने जैसा सिद्ध करने की दिन रात कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, अटल जी की सरकार ने देश के शहीदों के लिए एक मानवीय फैसला लिया था। आज जो शहीदों के मृत शरीर, शव ताबूत आज उसके घर तक वापस आते हैं, आपको याद होगा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ जवान का यूनिफॉर्म, उसकी कैप, यही घर पे आता था तो घर लोगों को पता चलता था कि वो शहीद हो गए। ये अटल जी की सरकार थी जिसने नियमों में परिवर्तन किया और शहीद को उसके गांव में उसके शरीर को ले जाना और पूरे देश में त्याग तपस्या समर्पण करने वाले ऐसे वीरों का सम्मान करने का हर नागरिक को अवसर मिलने लगा। और उस समय हुआ क्या, जब इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, मानवीय दृष्टिकोण से हुआ, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की देखरेख में इन शहीदों के लिए ताबूत खरीदे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ईमानदार व्यक्तित्वों को, उनको भी नहीं छोड़ा। लगातार झूठ बोलते रहे, लगातार झूठ बोलते रहे, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। जॉर्ज फर्नांडिस की तो पार्लियामेंट में हाजिरी हो तो बहिष्कार करने लग गए, इतना उनको ह्यूमिलेट करने का कोशिश किया। साथियों, ये इनकी पुरानी आदत है, यही कोशिश इन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ करने की भी कोशिश की। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और आपने देखा होगा कि बड़े शातिर जो जेब कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी विशेषता होती है। वो जो शातिर जेब कतरे क्या करते हैं, मान लीजिए बस के अंदर किसी का जेब काटा या मेले के अंदर किसी का जेब काट के बटवा मार लिया और पब्लिक को पता चल गया, पब्लिक दौड़ती है, चोर 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 कर गए, तो ये जो बटवा मारने वाला है, शातिर चोर है, वो भी दौड़ता है, चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40 50 100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन चोर होगा, क्योंकि भीड़ में चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा खेल तारीख करते हैं जी। और उस स्थिति में मनोहर जी मौत से मुकाबला कर रहे थे, गोवा के लिए जिंदगी से जूझ रहे थे, जीवन का पल पल
गोवा को खर्च करने में कोई कमी न रह जाए, इस भाव से एक समर्पित जीवन, ऐसी परिस्थिति में ये झूठ बोलने वालों को सफाई देने के लिए उनको निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया, लेकिन चेहरे पर ऐसा भोला भोला चेहरा बना दिया कि उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। यही असंवेदनशीलता है, यही झूठ है जिसके कारण ऐसे लोगों की बात पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है। मैं कभी सोचता हूं कि इतना झूठ क्यों चला रहे हैं। कुछ समझ तो आना नहीं है मुझे, लेकिन मैं अनुमान करता हूं शायद उनके मन पर एक बोझ है अपने पिताजी के पाप का, बोफोर्स का, और उसको धोने के लिए सारी दुनिया पर पाप मढ़ने का पाप कर रहे हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि वंश और विरासत से पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के दिल में क्रेडिबिलिटी कहां से लाओगे।